दर्शकों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोशनी और ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। आज का दिन कुछ खास है। आज के दिन क्या हुआ था पहले ये जानते हैं। रोज डे, 7 फरवरी को रोज डे के वैलेंटाइन वीक की शुरुआत हो चुकी है और रोज डे पर पार्टनर एक दूसरे को गुलाब देकर अपने प्यार का इजहार करते हैं। इस दिन लोग अपने परिजनों, क्रश या पार्टनर को अपने प्रति अपने प्यार का इजहार करने और उनकी अपनी जीवन में उपस्थिति के लिए गुलाब देकर आभार व्यक्त करते हैं। अब करते हैं खबरों की शुरुआत। 4 साल की बच्ची के साथ किया गया था गैंगरेप। दरअसल उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले की एक अदालत ने 4 साल की बच्ची का अपहरण कर उसके साथ रेप कर हत्या करने के मामले में दोषी युवक को घटना से करीब 2 माह 4 दिन बाद मौके से सूचना मिली थी और उसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने एक अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी है। पुलिस उपायुक्त ट्रांस हिंटर दीक्षा शर्मा ने बताया है कि वहां पॉक्सो एक्ट अदालत ने ऊपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के सर पिछले साल 1 दिसंबर को 4 साल की बच्ची का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले और हत्या के दोषी सोनू गुप्ता को शनिवार को मौत की सजा सुनाई गई है। डीसीपी ने मामले में ब्यूरो देते हुए कहा है कि साहिबाबाद थाना क्षेत्र के एक सिटी फॉरेस्ट में घटना के अगले दिन बच्ची का शव बरामद किया गया था और उन्होंने बताया कि पुलिस ने घटना का खुलासा करते हुए वह 6 टीमों का गठन भी किया था और साथ ही क्राइम के 6 दिन बाद ही सीसीटीवी फुटेज के आधार पर छानबीन करने हुए नंदग्राम थाना क्षेत्र के एक दिन दयालपुरी इलाके में 40 फुटा रोड के एक आरोपी सोनू गुप्ता 20 वर्षीय को गिरफ्तार कर लिया गया था और जिसके बाद विधिक प्रक्रिया पूरी कर उसे जेल भी भेज दिया गया। और दीक्षा शर्मा ने बताया कि पुलिस ने इस मामले के घटना के 15 दिन के अंदर अपहरण, रेप और हत्या की धाराओं के तहत आरोप पत्र दाखिल भी किया था और उन्होंने कहा है कि अदालत ने 2 महीने 4 दिन के अंदर उनका फैसला भी सुना दिया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वही अदालत ने शुक्रवार को 16 गवाहों के सुनने के बाद ही आरोपी को दोषी ठहराया और डीसीपी ने बताया कि सोनू गुप्ता ने स्वीकार किया था कि वह उससे बलात्कार के इरादे से ही लड़की का अपहरण किया था और लड़की के चिल्लाने पर उसके मुंह में गंदा कपड़ा भी ठूस दिया था और दबाकर उसकी हत्या कर दी थी। और डीसीपी ने कहा कि पुलिस ने सोनू और पीड़िता के खून से भरे कपड़े भी देखे हुए थे। बलात्कार के आरोपी पास में सिटी फॉरेस्ट पार्क का एक प्रवेश टिकट भी बरामद हुआ था और जिससे इस इलाके में उसकी मौजूदगी भी की पुष्टि की गई थी और बहरहाल कोर्ट द्वारा 2 महीने के अंदर आरोपी को सजा सुनाई गई है और वह चर्चा में बना हुआ विषय बना हुआ है और ज्यादातर लोग इसके फैसले से काफी खुश है। जनता के सामने जोश में होश खो बैठे शालिन और अर्चना। दरअसल बिग बॉस 16 में इस बार जनता का घर अंदर आएगी और कंटेस्टेंट को उन्हें इम्प्रेस करना था और जिसके लिए वह स्टेज पर बारी बारी से आकर अपनी बातें रखते हैं और कोई कंटेस्टेंट दिल की बात करेगा तो कोई डांस करते दिखाएगा। अर्चना शुरुआत में अंत तक शो के अकेले खेलने की बात करती थी और तो शालिन जनता से मिले प्यार के लिए धन्यवाद करता है और इसके अलावा शिव, प्रियंका और स्टैन ये अपने दिल की बात कहते हैं और सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें शालिन और रचना जनता को इम्प्रेस करते हुए रोमांटिक डांस करते हुए स्टेज पर नजर आते हैं और दोनों डांस कर रहते हैं और उसी के अगले पल वह स्टेज से नीचे गिर जाते हैं। दोनों को देखते ही सभी लोग हंसने लगते हैं और खबरों की माने तो निमृत इस बात शो से बाहर हो जाएगी और बीबी हाउस में आई जनता सभी कंटेस्टेंट को लिए वोट करेगी और कम वोट्स के आधार पर निमृत को बेघर कर दिया जाएगा। ऐसे में बिग बॉस 16 को अपने टॉप 5 कंटेस्टेंट मिल जाएंगे और जिसमें शालिन, भनोट, प्रियंका और शिव, अर्चना और एमसी स्टैन भी शामिल है। पाकिस्तान के इन कलाकारों के साथ बॉलीवुड के एक्टर ने किया हॉलीवुड डेब्यू। हरीश पटेल बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता हैं और उन्होंने बॉलीवुड की तमाम फिल्मों में काम किया है। वह ज्यादातर कॉमेडी फिल्मों में काम करते नजर आए थे और जिसके अलावा उन्होंने साल 2021 में हॉलीवुड में अपना डेब्यू किया था और हरीश पटेल एटर्नल फिल्म में नजर आए थे और यह फिल्म 5 नवंबर 2021 को रिलीज हुई थी। उन्होंने फिल्म गुंडा, सूरज, बरसात, लोहा जैसे कई फिल्मों में काम किया है। फरहान अख्तर बॉलीवुड के मशहूर कलाकारों में से एक है। उन्होंने बॉलीवुड में तमाम फिल्में की है और अभिनेता ने साल 2022 में रिलीज हुई फिल्म मिस मार्वेल्स में नजर आए थे और उन्होंने इस लिस्ट में बालिक का किरदार निभाया था और मिस मार्वेल्स में वह फरहान ने अपने बॉलीवुड में डेब्यू किया था।
कुमेल अली नाजमी। कुमेल अली नाजमी ने अमेरिका पाकिस्तान कलाकार है और कुमेल को साल 2021 में मार्वेल स्टूडियो में फिल्म एटर्नल में देखा गया था और इस फिल्म के उन्होंने किंगो का किरदार निभाया था और इसके अलावा उन्होंने मैन इन ब्लैक इंटरनेशनल में काम किया था। फवाद खान। फवाद खान पाकिस्तान के कलाकार है और उन्होंने पाकिस्तानी फिल्मों के साथ बॉलीवुड में भी काम किया है। हालांकि दोनों देशों में बीच वो अभिनेता के चलते बॉलीवुड के पाकिस्तान कलाकारों के काम कर रोक लगाई गई थी और फवाद खान ने साल 2022 में फरहान अख्तर के साथ मिस मार्वेल्स फिल्म में हॉलीवुड में डेब्यू किया था। अब आप हमारे चैनल को अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज TV आप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाईक्यूब, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार।